तो यार देखो, अगर आप भी सीएस रैंक के नए सीजन में स्टार्टिंग में ही रैंक पुश करने का सोच रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके रोल के हिसाब से कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाला है, जिससे कि आप काफी इजिली हर एक सीएस रैंक मैच को जीत पाओ। एंड यार वीडियो के लास्ट में ना मैं आपको एक बैलेंस्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, जिससे कि अगर आप रैंडम प्लेयर के साथ रैंक पुश करते हो ना, तो आप वहाँ पे उष्णा भी यूज कर सकते हो। तो बस बने रहना मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यार हमारा जो सबसे पहला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है ना, वो है एक रशर के लिए। एंड इस रशर की कॉम्बिनेशन में ना आपको सबसे पहले एक्टिव स्किल में यूज करना है तात्सुया कैरेक्टर का स्किल। अगर आप रशिंग करते टाइम तात्सुया कैरेक्टर का स्किल यूज करोगे ना, तो वहाँ पर ना 0.5 सेकंड तक ना बहुत ही ज्यादा स्पीड से भाग पाओगे एकदम फ्लैश की तरह। एंड जब आप एनिमी के ऊपर रश कर दोगे ना इस कैरेक्टर का स्किल यूज करके, तो उन्हें पता ही नहीं चल पाएगा यार कि ये बंदा इतनी जल्दी आया कहां से है। एंड फिर इसके बाद ना आप उन्हें काफी इजिली नॉक कर सकते हो। अब अगर आपके पास तात्सुया कैरेक्टर नहीं है ना, तो आप इस कैरेक्टर की जगह पे ना वुकोंग या फिर क्रोनो का यूज कर सकते हो। वुकोंग एंड क्रोनो भी रशिंग करते टाइम ना बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। अब इसके बाद बात करें इस कॉम्बिनेशन के पैसिव कैरेक्टर के बारे में, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्लॉट में यूज करना है केली कैरेक्टर का स्किल। अगर आप केली कैरेक्टर का यूज करते हो ना, तो वहाँ पर आपका मूवमेंट स्पीड ना 6% और ज्यादा बढ़ जाता है। एंड एक रशर के लिए ना मूवमेंट स्पीड काफी ज्यादा मैटर करता है। एंड इसी के साथ अगर आपका केली अवेकन है ना, तो आपको यहाँ पे ना इस कैरेक्टर में एक और स्किल मिल जाता है। जब आप स्प्रिंट करने के बाद एनिमी के ऊपर फायर करोगे ना, तो आपका जो फर्स्ट बुलेट है ना, वो एनिमी को ना 106% ज्यादा डैमेज देगा, जिससे कि अगेन आप काफी इजीली उस एनिमी को नॉक कर पाओगे। अब इसके बाद आपको सेकंड स्लॉट में यूज करना है एंटोनियो कैरेक्टर का स्किल। अगर आप एंटोनियो कैरेक्टर का यूज कर रहे हो ना, तो आपको हर एक राउंड के स्टार्टिंग में ना 40 एक्स्ट्रा एचपी मिल जाता है, यानी कि जब भी आपका नया राउंड स्टार्ट होगा ना, तो आपके पास ना वहाँ पे टोटल 240 एचपी होगा। एंड अगर आपके पास रशिंग करते टाइम टोटल 240 का एचपी होता है ना, तो आप काफी इजीली ना वहाँ पर कम से कम तो दो बंदे को खत्म कर ही सकते हो। अब इसके बाद इस कॉम्बिनेशन के लास्ट स्लॉट में आपको यूज करना है जोटा कैरेक्टर का स्किल। अगर आप जोटा कैरेक्टर का यूज कर रहे हो ना, तो वहाँ पर आप जैसे ही आप किसी एनिमी को नॉक करोगे ना, तो आपको वहाँ पे फटाक से 20% एचपी रिकवर हो जाएगा। एंड साथ ही अगर आप किसी एनिमी को डैमेज भी कर देते हो ना, तो वहाँ पर अगेन आपको थोड़ा बहुत एचपी मिल जाएगा। एंड ये कैरेक्टर एक रशर के लिए ना मस्ट यूज कैरेक्टर है। जब आपको रशिंग करते टाइम एनिमी डैमेज कर देते हैं ना, तो जोटा कैरेक्टर ना आपको उस टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप एक एनिमी को किसी भी तरह नॉक कर देते हो ना, तो आपको यहाँ पे एचपी रिकवर हो जाएगा। एंड फिर जब आपके पास एचपी आ जाएगा ना, तो फिर आप वहाँ पे काफी इजिली किसी और एनिमी को खत्म कर सकते हो। तो अगर आप एक रशर हो ना, तो आप इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन करना जरूर से यूज करना। अब यार हमारा जो सेकंड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है ना, वो एक सुपर डिफेंसिव कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। अगर आप इस कैरेक्टर कॉम्बो का यूज करोगे ना, तो जब आपके ऊपर कोई एनिमी ग्रेनेड फेंकेगा ना, या फिर अगर आपके ऊपर कोई एनिमी फायर भी कर देगा ना, तो आप काफी इजिली वहाँ पे बच सकते हो, जिससे कि एनिमी को आपको मारने में ना बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। वहाँ पर ना आपको ये कैरेक्टर कॉम्बो काफी ज्यादा प्रोटेक्शन दे देती है। तो इस कैरेक्टर कॉम्बो में आपको सबसे पहले एक्टिव स्किल में यूज करना है स्टफी कैरेक्टर का स्किल। जब आप स्टफी कैरेक्टर का यूज करते हो ना, तो ये कैरेक्टर ना आपके चारों ओर 14 सेकंड के लिए ना एक एरिया बना देती है, जिसमें कि अगर उस टाइम पे आपके ऊपर कोई एनिमी ग्रेनेड फेंकेगा ना, तो उस ग्रेनेड से ना आपके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। यानी कि आप और आपकी टीममेट्स जो भी है ना उस एरिया के अंदर, उनको ना वहाँ पे थोड़ा भी डैमेज नहीं पड़ने वाला है। एंड इसी के साथ जब आप उस सर्कल में रहते हो ना, तो वहाँ पर अगर आपके ऊपर कोई एनिमी फायर भी कर देता है ना, तो आपको वहाँ पे 18% कम डैमेज पड़ता है। तो ये कैरेक्टर देखो यार क्लैश कोड मोड के लिए ना वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है। एंड जब आप ग्रैंड मास्टर के लिए रैंक पुश करते हो ना, तो आपके ओपोनेंट में ना बहुत ज्यादा नेडर्स आते हैं। एंड वहाँ पर अगर आपके पास स्टफी होता है ना, तो आप काफी इजिली उस मैच को जीत सकते हो। एंड मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपको इस कैरेक्टर के साथ तीन पैसिव स्किल के स्लॉट्स में किस किस कैरेक्टर का यूज करना है। तो सबसे पहले स्लॉट में आपको यूज करना है एंड्रू कैरेक्टर का स्किल। अगर आप एंड्रू कैरेक्टर का यूज करते हो ना, तो आपका वेस्ट का जो ड्यूरेबिलिटी होता है ना, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड वहाँ पर ना आपका वेस्ट एकदम पत्थर की जैसा हो जाता है। एंड ये कैरेक्टर उस टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है जब आपके ओपोनेंट में एक अच्छा खासा स्नाइपर आ जाता है। तो वहाँ पर अगर आपको वो एनिमी एडोलम से एक गोली मार भी देगा ना, तो आपका वेस्ट वहाँ पे नहीं फटेगा। एंड वहीं अगर आपके पास एंड्रू नहीं होता है ना, तो आपका वेस्ट ना एडोलम की एक ही गोली से ना काफी इजिली फट जाता है। एंड यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि अगर आपकी टीम में सभी बंदी एंड्रू कैरेक्टर का यूज करे ना, तो आपके सभी टीममेट्स को 60% ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। तो आप समझ सकते हो यार कि इस कैरेक्टर का स्किल ना आपको कितना ज्यादा हेल्प करता है सीएस मोड में। अब इसके बाद आपको सेकंड स्लॉट में यूज करना है लियोन कैरेक्टर का स्किल। अगर आप लियोन कैरेक्टर का यूज करते हो ना, तो वहाँ पर अगर आपको किसी भी टाइप का डैमेज पड़ जाता है ना, चाहे वो एनिमी से डैमेज हो गया, या फिर फॉल डैमेज हो गया, या फिर जोन से डैमेज हो गया, यहाँ पर आपको इन सभी केसेस में ना डैमेज पड़ने के बाद ना आपको तुरंत 30 एचपी मिल जाता है। एंड ये कैरेक्टर उस टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है जब आपके पास कोई मेडिकेट नहीं होता है। तो वहाँ पर अगर आपको थोड़ा भी डैमेज पड़ जाता है ना, तो आपको तुरंत 30 एचपी मिल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर लास्ट स्लॉट की बात करें, तो इसमें आपको यूज करना है जे बीब्स कैरेक्टर, यानी कि जस्टिन बीबर कैरेक्टर। अगर आपके पास जे बीब्स कैरेक्टर होता है ना, तो आपको हर एक राउंड के स्टार्टिंग में एक मशरूम ले लेना है, जिससे कि आपको वहाँ पे 100 ईपी मिल पाए। एंड जब आपके पास 100 ईपी हो जाता है ना, तो वहाँ पर अगर आपके ऊपर कोई एनिमी फायर करेगा ना, तो आपको 15% कम डैमेज पड़ेगा। एंड इसी के साथ अगर आपके 12 मीटर के रेडियस में आपका कोई टीममेट है ना, तो इस कैरेक्टर का फायदा उसको भी मिलेगा। एंड साथ ही अगर आपके टीममेट्स के पास भी ईपी होता है ना, तो फाइट लेते टाइम उनका जितना भी ईपी घटता है ना, वो सारा का सारा ईपी ना आपके ईपी में जुड़ जाएगा। तो ये वाला कैरेक्टर कॉम्बो ना एक बहुत ही ज्यादा मस्त कैरेक्टर कॉम्बो है, इसे आप जरूर से यूज करना अगर आप ग्रैंड मास्टर के लिए रैंक पुश कर रहे हो उस टाइम। अब हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर कॉम्बो है उनके लिए जो कि ज्यादा हेडशॉट पे डिपेंड करते हैं। एंड अगर आपको हेडशॉट मारना है ना, तो वहाँ पर ना
आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ कि इस वाले कैरेक्टर कॉम्बो में आपको किन किन कैरेक्टर्स का यूज करना है। तो सबसे पहले बात करें एक्टिव कैरेक्टर की, तो इसमें आपको यूज करना है वुकोंग कैरेक्टर का स्किल। जब आप एक बार वुकोंग बन जाते हो ना, तो वहाँ पर एनिमी के ऊपर एम करना ना काफी ज्यादा ईजी हो जाता है, इसलिए ना आपको वहाँ पे वुकोंग का यूज करना है, जिससे कि ना आप काफी इजिली एनिमी को हेड मार सकते हो। अब इसके बाद बात करें इस कॉम्बो की पैसिव स्लॉट्स के बारे में, तो देखिए इस कॉम्बो के ना जितने भी पैसिव कैरेक्टर है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्लॉट में यूज करना है डीबी कैरेक्टर। अगर आप डीबी कैरेक्टर का यूज करते हो ना, तो जब आप एनिमी के ऊपर फायर करोगे ना, तो फायर करते टाइम ना आपका जो एक्यूरेसी है ना वो 60% बढ़ जाता है, एंड इसी के साथ फायर करते टाइम आपका जो मूवमेंट स्पीड है ना वो 30% और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब फिर इसके बाद आपका सेकंड स्लॉट में यूज करना है राफेल कैरेक्टर का स्किल, जिससे कि अगर आप वहाँ पे वन टैप वाले गन जैसे कि AC-80 हो गया या फिर वुडपेकर हो गया, अगर आप इन सभी गन्स को चलाते हो ना, तो आपके गन में ना ऑटोमेटिकली वहाँ पे साइलेंसर लग जाता है, एंड उस टाइम पे जब आप एनिमी को नॉक करोगे ना, तो उसे पता ही नहीं चलेगा यार कि ये बंदा मुझे कहाँ से मारा है। एंड साथ ही जब आप किसी एनिमी को स्नाइपर या फिर मार्क्समैन राइफल से नॉक करोगे ना, तो वो एनिमी ना कुछ ही सेकंड के अंदर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, उसे आपको दोबारा कंफर्म करने की ना कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड अब बात करें थर्ड स्लॉट के बारे में, तो इसमें आपको यूज करना है वुल्फ्रा कैरेक्टर का स्किल। देखिए जो वुल्फ्रा का यूज कर रहे हो ना, वहाँ पर अगर आपको दो या तीन बंदे स्पेक्टेट कर रहे ना, तो वहाँ पर अगर आपको कोई एनिमी डेजर्ट एगल या फिर वुड पेकर से वन टैप मार देते ना, तो आप उस एक गोली में नॉक नहीं होगे, आपके ऊपर हेडशॉट का जो डैमेज है ना वो 30% कम हो जाएगा। एंड इसी के साथ अगर आप किसी एनिमी को हेडशॉट मार देते हो ना, तो उस टाइम पे उस एनिमी को ना 30% ज्यादा डैमेज पड़ता है, जिससे कि सामने वाला एनिमी ना काफी जल्दी मर जाएगा। एंड देखो अगर आप एक स्नाइपर प्लेयर हो ना, तो आप इसी कैरेक्टर कॉम्बो में थर्ड स्लॉट में वुल्फ्रा के जगह पे ना मारो कैरेक्टर का स्किल यूज कर लेना। अगर आप मारो कैरेक्टर का यूज कर रहे हो ना, तो जब आप किसी एनिमी को लॉन्गनेस से मारोगे ना, तो उस एनिमी को ना 25% ज्यादा डैमेज पड़ेगा। अब हमारा जो फोर्थ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है वो है एक ग्रेनेडर के लिए। तो यार अगर आप ही मेरी तरह एक नेडर हो ना, तो आपको एक्टिव स्किल में ना मैं यहाँ पे दो कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा, आप इनमें से जिन भी कैरेक्टर को ज्यादा अच्छी तरह से यूज करना जानते हो ना, उन्हें आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला एक्टिव कैरेक्टर है क्लू कैरेक्टर। अगर आप क्लू कैरेक्टर का यूज करोगे ना, तो आपके 75 मीटर के रेडियस में अगर कोई भी एनिमी है ना, तो उसका लोकेशन आपको पता चल जाएगा। एंड एक नेडर को जब एनिमी का लोकेशन पता चल जाता है ना, तो सामने वाले एनिमी को काफी इजीली वो खत्म कर सकता है। अब देखो अगर आपको क्लू कैरेक्टर यूज नहीं करना है ना, तो इसके जगह पे ना आप क्रोनो कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। क्रोनो कैरेक्टर एक नेडर के लिए ना बहुत ही ज्यादा मस्त कैरेक्टर। मैं भी ग्रेनेड करते टाइम ना क्रोनो कैरेक्टर का ही ज्यादा टाइम यूज करता हूँ, क्योंकि अगर आप क्लोज रेंज में नेड कर रहे हो ना, तो क्रोनो कैरेक्टर उस टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप फटाक से वहाँ पे ग्रेनेड फेंक के ना अपना शील्ड लगा सकते हो, जिससे कि आपको डैमेज नहीं पड़ेगा एंड सामने वाला एनिमी ना वहाँ पे नॉक हो जाएगा। अब इसके बाद जो तीन पैसिव स्किल के स्लॉट्स है ना, इसमें सबसे पहले आपको यूज करना है अलवारो कैरेक्टर का स्किल। अगर आप अलवारो कैरेक्टर का यूज करते हो ना, तो जो आप एनिमी के ऊपर ग्रेनेड फेंकोगे ना, तो ग्रेनेड का जो डैमेज है ना 20% ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि ना आप एक ही नेड में ना काफी इजीली बंदे को खत्म कर सकते हो। ऐसे अगर आप विदाउट अलवारो ग्रेनेड फेंकते हो ना, तो काफी बार ना एनिमी नॉक नहीं होता है। एंड इसी के साथ अलवारो आपके ग्रेनेड का जो इम्पैक्ट एरिया होता है ना, उसका रेडियस 10% से ज्यादा बढ़ा देता है, जो कि अगेन आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। अब इसके बाद आपको सेकंड स्लॉट में यूज करना है मोको कैरेक्टर का स्किल। अगर आप मोको कैरेक्टर का यूज करोगे ना, तो जैसे आप किसी एनिमी को थोड़ा भी डैमेज करते हो ना, तो उसके ऊपर मार खा जाता है। एंड ऐसा देखिए बहुत बार होता है कि एक एनिमी से ना कभी कभी बंदा नॉक नहीं होता है, एंड वो ना कहीं कवर के पीछे जाके छुप जाता है। तो उस टाइम पे अगर आपके पास मोको होता है ना, तो आप काफी इजीली उसका लोकेशन पता लगा के उसके ऊपर नेड फेंक के उसे नॉक कर सकते हो। अब इसके बाद थर्ड स्लॉट में आप यहाँ पे यूज कर सकते हो क्ला कैरेक्टर का स्किल। क्योंकि देखो यार अगर आप फर्स्ट राउंड में दो नेड्स ले लेते हो ना, तो आपके पास पैसा नहीं बचता है, एंड उस टाइम पे अगर आपके नेड खत्म हो जाते हैं एंड बंदा आपके क्लोज रेंज में आ जाता है ना, तो वहाँ पर अगर आपके पास क्ला होते हैं ना, तो आप काफी इजीली मुक्के से उसको खत्म कर सकते हो। एंड अगर आपको क्ला कैरेक्टर का यूज नहीं करना ना, तो आप इसके जगह पे ना डीबी हायाटो या फिर केले का यूज कर सकते हो। अब यार हमारा जो लास्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है ना, वो है एक बैलेंस्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। एंड अगर आप रैंडम प्लेयर के साथ रैंक पुश कर रहे हो ना, तो आप इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का जरूर से यूज कर सकते हो। तो इस कैरेक्टर कॉम्बो में आपको सबसे पहले एक्टिव स्किल में यूज करना है वुकोंग कैरेक्टर का स्किल। क्योंकि देखो अगर आप रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हो ना, तो आपके सामने कई बार 1v2 या फिर 1v3 या फिर 1v4 का भी सिचुएशन आ जाता है, एंड वहाँ पर अगर आपके पास वुकोंग कैरेक्टर होता है ना, तो आप काफी इजीली उन सभी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। अब इसके बाद जो तीन पैसिव स्किल के स्लॉट्स है ना, इसमें आपको सबसे पहले रखना है एंटोनियो कैरेक्टर का स्किल। अगर आप इस कैरेक्टर का यूज करोगे, तो आपको हर एक राउंड के स्टार्टिंग में ना 40 एक्स्ट्रा HP मिल जाएगा। एंड अगेन देखो अगर आप रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहे हो ना, तो आपको वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा किल करने होंगे मैच जीतने के लिए। एंड वहाँ पर अगर आपके पास ज्यादा HP होता है ना, तो आप काफी इजीली उस मैच को जीत सकते हो। एंड अब इसके बाद आपका सेकंड स्लॉट में यूज करना है हायाटो कैरेक्टर का स्किल। हायाटो कैरेक्टर क्लोज रेंज में फाइट लेते टाइम ना बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपको कोई एनिमी डैमेज कर देते ना, तो जब आप उसके ऊपर वापस फायर करोगे ना, तो उसको ना आप ज्यादा डैमेज कर पाओगे। एंड इसी के साथ अगर उस बंदे के पास वेस्टर्न हेलमेट भी है ना, तो उसका जो वेस्टर्न हेलमेट है वो काफी जल्दी टूट जाएगा। एंड यहाँ पर अगर आपका हायाटो अवेकन है ना, तो अगेन अगर सामने से कोई बंदा आपको डैमेज करेगा ना, तो आपको कम डैमेज पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको हायाटो कैरेक्टर का ना जरूर से यूज करना है। अब इसके बाद हमारा जो थर्ड स्लॉट है ना, इसमें आप या तो लियोन का यूज कर सकते हो या फिर आप मैक्सिम का यूज कर सकते हो। अगर आप लियोन कैरेक्टर का यूज करोगे ना, तो अगर आपको डैमेज पड़ेगा, तो आपको फटाक से 30 HP मिल जाएगा। एंड वहीं अगर आप मैक्सिम का यूज कर रहे हो ना, तो आपका जो मेडिकेट मारने का टाइम है ना, वो 25% ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको इन दोनों में से जो भी कैरेक्टर ज्यादा सही लगता है ना, आप उसे यूज कर लेना। तो यार आज के लिए बस इतना ही। मैंने आप सभी को CS मोड के लिए टॉप 5 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बता दिया है। एंड आप सभी ना मेरे को कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर बताना कि आप सभी का अभी CS रैंक में करंट रैंक क्या है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे 1 लाख
जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो तब तक ले बाय, मिलते हैं एक और वीडियो में।